भी झूठ नहीं बोलता कि मैंने 1,00,000 रुपया कमा लिया, 2,00,000 कमा लिया, ठीक है सर, ये अपनी मेहनत है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं 2-2.5 साल सिर्फ एक्सपीरियंस लिया है मैंने और लॉस खाया है, लेकिन अभी ये जो टाइम है ये मेरा प्रॉफिट गया, इतना मैं बता रहा हूँ। नमस्कार भाइयों, इंडियन फार्मिंग टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम पहुँचे हैं रोहन भाई के यहाँ पर, जिनका फार्म अम्बाला में है। दोस्तों इन्होंने पढ़ाई के बाद नौकरी को ना चुनके इन्होंने देसी मुर्गी पालन को चुना और आज इसको सफलतापूर्वक चला रहे हैं। लगभग 3 साल का गहरा अनुभव है। दोस्तों जानते हैं कि इस पूरे सफर के बारे में, किस तरह से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं, कहाँ सेल कर रहे हैं, कैसे कोई युवा भाई इसको स्टार्ट कर सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आप बताओ। सर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय दीजिए अपने फार्म का भी। नमस्कार सर, मैं रोहन हूँ। मैं सर यमुनानगर थाना छप्पर से बिलोंग करता हूँ, बट जो मेरा फार्म है ये अम्बाला और यमुनानगर के बीच में पड़ता है। तो रोहन जी कब से आप ये कर रहे हैं और आप सर क्या एज है ये बताइए। सर मेरी एज 23 ईयर, ठीक है, और मेरा फार्म है वो सर मैं 3 साल से कर रहा हूँ। और इससे पहले आप क्या कर रहे थे? सर इससे पहले मैं ग्रेजुएशन की हुई है सर। अरे वाह, सीधे जंप मारी आपने बिजनेस में। सर बिजनेस, कोई जॉब नहीं, कोई कुछ नहीं? सर एक्चुअली जॉब में मेरा इंटरेस्ट था ही नहीं कभी। जॉब तो कभी मेरे पेरेंट्स ने नहीं बोला कि आप जॉब करो या कुछ करो। तो ऐसा क्या लगा कि जॉब नहीं, मुझे नहीं करके सीधा अपना मेरे को बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए? जॉब जो होती है ना उसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जॉब में उठ के जाना है तो सुबह निकलना पड़ेगा, कुछ ही हो जाओ, बारिश हो या कुछ हो। अब फार्म है अपना, आप खुद देखो मेरे को क्या करना है, फीड डालनी है, खाना पीना देना है इनको, फिर उसके बाद फ्री हूँ मैं। थोड़ा बहुत मेंटेनेंस होती है वो करना पड़ता है, जैसे 1-2 दिन में कर लिया, कुछ दवाई वगैरह दे दी अगर कोई बीमारी है, वैसे तो होती नहीं है। तो इसका मुर्गी पालन का आपको आइडिया कैसा है और क्यों आपको ये बिज़नेस अच्छा लगा बाकी बिजनेसों से? सर एक्चुअली मेरे को ये अच्छा नहीं लगा था, मेरे को मेरे पेरेंट्स ने बोल दिया था, मेरे फादर साहब ने बोला था कि आप इस फील्ड में आओ। तो जैसे मैं इस फील्ड में आया तब मेरे को नॉलेज थी नहीं इस काम की, तो मैं ऐसे ही लाइटली लेता था, बर्ड ले आया, फीड वगैरह मैंने मतलब जब फर्स्ट लोड डाला था मैंने खुद फीड डाल के नहीं देखी उनको, ऐसा फ्री रेंज में छोड़ दिया। लेकिन जब बीमारी शुरू हुई आनी, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पता लगता गया कितना लॉस हो रहा है। अब मान के चलो जिसकी 10 मुर्गी दिन की जा रही हो, 500 रुपये के हिसाब से 5,000 का लॉस हो जाता है आराम से दिन का, तो बहुत इफेक्ट करता है सर उस तो शुरुआत में लॉस भी हुआ। हाँ सर मेरे को लॉस बहुत ज़्यादा हुआ। वो सर वो लॉस जो था ना वो मेरी अपनी खुद की कमी की वजह से था, वैसे इस काम में लॉस है नहीं। वो डिपेंड करता है कि आप अगर आप मान के चलो आपको तैरना नहीं आता, आप समुद्र में कूद जाओगे तो डूबोगी। तो जब आपने काम स्टार्ट करा तो लगा नहीं यार मैं ये मुर्गी पालन कर रहा हूँ, कुछ और मैं कर लिया होता, कुछ और बन गया होता तो शायद किसी अच्छे लेवल पे आज मैं होता। सर हूँ तो मैं भी आज भी अच्छी लेवल पे, बट ये इसमें आने के लिए सर टाइम लगा अभी मेरे को। मैं किसी और फील्ड में जाता सर उसमें भी मेरे को मेहनत करनी पड़ती, अब मैं अगर फॉरन जाता बाहर जाता वहाँ भी सर मेहनत तो करनी पड़ती, 3-4 साल में वहाँ स्टेबल होता, इससे अच्छा मैं 3-4 साल में ही स्टेबल हो जाऊँगा। शुरुआत जब आपने करी तो कितना आपको खर्चा है, किस किस कितने बर्ड साल में शुरुआत करी है? सर स्टार्टिंग में मैंने 800 बर्ड के आसपास मेरे पास आ गए थे, मैं 600 बर्ड एक डीलर से ले गया, मतलब एक फार्मर से, काफ़ी बड़ा फार्मर है मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उससे मैं बर्ड ले गया था, लेकिन उसने मेरे को गलत गाइड किया था उस टाइम पर। उन्होंने मतलब जो बर्ड दिया था मेरे को उनमें प्रॉब्लम थी पहले ही, मतलब बीमारी थी उस टाइम, मेरे को नॉलेज थी नहीं बर्ड की, तो मैं ले आया। फिर उसके साथ ही जैसे अब 600 बर्ड ले गया तो 200 बर्ड मैंने यहाँ वहाँ से अरेंज किए, अपने लोकल गांव से पता किया, कुछ रिलेटिव के यहाँ पे थे तो उनसे ले लिया। तो सर उसके चक्कर में उन बर्ड में भी बीमारी आ गई और इतने नॉलेज थी नहीं मेरे को कि कैसे इनको करूँ, डॉक्टर की भी मेरी मतलब इतनी जान पहचान हो गई थी, डॉक्टर भी बोलने लग गया था कि यार तू दूसरे तीसरे दिन आने लग गया। फिर सर वहाँ से थोड़ा थोड़ा सीखा मैंने, मतलब फर्स्ट लॉस में लॉट जो था ना उसमें बहुत लॉस खाया मैंने, बहुत ज़्यादा। जी जी, तो अभी प्रॉफिट कितना ले रहे हैं अभी आप? सर प्रॉफिट अभी तो देखो मेरी स्टार्टिंग है, क्योंकि अब तक मैंने लॉस ही खाया। मैं अभी झूठ नहीं बोलता कि मैंने 1,00,000 रुपया कमा लिया, 2,00,000 कमा लिया, ठीक है सर, ये अपनी मेहनत है। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं 2-2.5 साल सिर्फ एक्सपीरियंस लिया है मैंने और लॉस खाया है, लेकिन अभी ये जो टाइम है ये मेरा प्रॉफिट गया, इतना मैं बता रहा हूँ। तो सेटिस्फाई है अपने काम? हाँ सर अब सेटिस्फाई हूँ मैं। तो जो बर्ड है कौन सी वैरायटी का बर्ड है आपके पास में? सर एक तो मेरे पास कमर्शियल ब्रीड है जो आपके पास ये सामने घूम रहा है, इसमें सर मिक्स ब्रीड होती है आपकी, जैसे ब्लैक एस्ट्रोलॉब भी हैं, कुछ WFG भी हैं और RIR भी कुछ बर्ड हैं इनमें, ठीक है, और इनको मतलब कमर्शियल ब्रीड बोलते हैं क्योंकि इसमें मिक्स आते हैं सर, ठीक है। और ये जो है ये ब्लैक पाइथमिक रोक है, मतलब कि एक चाबरो ब्रीड होती है डेवलप की हुई गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो ब्रीड है सर। ये खासियत क्या है सर इसकी? सर इसकी खासियत ये है कि कम फीड कंज्यूम करके ना ज़्यादा वेट गेन कर लेता है, जैसे एक ब्रॉयलर को आप 3-3.5 फीड खिलाओगे ना तो 2-2.5 किलो के आसपास आता है, तो सर ऐसा ही इसका है, ये 3 किलो मतलब ये 7 हफ्ते के अंदर ना 1.5 किलो वेट ले लेता है। तो ये अंडे के लिए रखी है मीट के लिए? ये सर मीट पर्पज़ के लिए है, क्योंकि अब मेरे देखो मैं ये नहीं कहता, मार्केट मेरी है
बट उतनी है कि आप मैं सीजन में निकाल सकूं। अब इतनी बड़ी मेरी मार्केट नहीं है कि मैं पूरा लोट ही उसका डाल लूं। अब लोग बोलते हैं कि सर हम तो अंडे का भी करेंगे और मीट का भी करेंगे, ये सर कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप अंडे का भी एक साथ करो और मीट का भी, क्योंकि अगर आप मीट के लिए तैयार करोगे उसकी फीड का अलग चलता है सिस्टम जो बनाना पड़ता है, और जो आपका अंडे मतलब अंडे वाली है सर उसका फीड का अलग बनता है। रोजी अक्सर देखा गया मार्केटिंग के बड़े इशू आते हैं, चैलेंजेस आते हैं सर, तो ये बताइए कैसे कोई अपनी मार्केट बनाया और कहाँ अभी आप कहाँ अपना माल सेल कर रहे हो? सर हमारा तो देखो जम्मू भी जाता है, देहरादून जाता है, ऐसी मतलब दूर दूर के डीलर हैं हमारे पास। जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम में तो लॉस हुआ था, तो उसके बाद सर जैसे फार्मरों से मिला, थोड़ा थोड़ा डीलरों से मिला के मिलता गया, बात होती गई फ़ोन पे, तो उनसे बात होती चली गई, रेट बनता गया। मार्केट में जब आए फिर उनसे मतलब रेट के बारे में डिस्कशन हुआ, पहले शुरू शुरू में मैंने बहुत कम रेट में उठाया, अब मेरे को पता चल गया कि हाँ एवरेज मेरी प्रोडक्शन इतनी आती है और मेरा इतना बेचने में मेरा बेनिफिट है, लॉस में सर अब नहीं बेच सकता ना। तो मुझे एक रैंडमली बताइए कि जो बर्ड आपका कितने का तैयार हो रहा है, क्या खर्चा आ रहा है, क्या उससे कितना उससे मुनाफा हो रहा है? अगर हम वेट मतलब मीट पर्पज़ के लिए बात करें तो सर मैं बता देता हूँ आपको कि 90 रुपये पर केजी पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप फीड क्या खिला रहे हो और आप खुद की बना रहे हो या बाहर की लेके आ रहे हो, सर उसमें 5-10 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि इसमें जो 70% जो कॉस्ट होती है वो फीड की आती है। फार्मर को सर नुकसान क्यों होता है, क्यों अपना फार्म बंद कर देता है वो? सर फार्मरों को नुकसान होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको नॉलेज नहीं होती किसी भी काम की। अब आपको नॉलेज है तो आप कर लोगे, आपको पता है कि इसमें ये बीमारी है तो आप उसका पहले इलाज कर लोगे, और आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप देखोगे हाँ वहाँ पे यार क्या करें क्या नहीं, और डॉक्टर एक टाइम ऐसा होता है डॉक्टर भी ना मिले तो सर क्या करोगे आप, तब तक आपका पूरा फार्म ही साफ हो जाएगा। सीखना पड़ेगा खुद अपने। हाँ सीखना पड़ेगा सर, ये दुनिया मैं बताता हूँ, हम कोई सीखे सिखाए तो आए नहीं, देखो सर हमने भी सीखा ही है, 2-3 साल हमने भी वेस्ट किए, वेस्ट तो नहीं कहूँगा बट हमने लर्न किया उसमें बहुत सारा। जी जी, और ट्रेनिंग वगैरह से कहाँ से ले सकते हैं इसकी? सर मैंने तो देखो मैं तो चंडीगढ़ से ली हुई है, CPDO के नाम से पड़ता है, सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट के नाम से, वहाँ पर मैंने सर ट्रेनिंग ली है। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है सर? सर मेरा जो सेशन था वो 7-8 दिन का सेशन था, तो वहाँ पे बेसिक सी जो नॉलेज होती है वो होती है वो सब बता देते हैं। और खर्चा वगैरह कुछ आता है? नहीं सर, वहाँ पे तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट थी, नॉर्थ का तो शायद फ्री ऑफ, बाकी जो अदर स्टेट्स आते हैं उनका सर मेरे को पता नहीं। ठीक है जी, फीड में क्या खिला रहे हैं सर आप इनको? सर इसमें मक्का बाजरा सोया DOC वगैरह ये सब जो होते हैं प्रीमिक्स ये सब खिलाते हैं। एरिया क्या पूरे फार्म का? सर ये 300 गज के आसपास पड़ता है। क्या खर्चा क्या है इसको बनाने का? सर ये डिपेंड करता है, मैंने लास्ट टाइम तो 50,000 के आसपास बनाया था, लेकिन अब की बार 1,00,000 रुपये के आसपास इन्वेस्ट कर दिया आपने, और मैं देख रहा हूँ नेट वगैरह यहाँ पे आपने लगाया हुआ है। हाँ। और कुछ आपने शेड्स भी यहाँ पे बनाया बढ़ा दिए हैं। ठीक है सर रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, धन्यवाद आपका। तो दोस्तों ये थी रोहन भाई के द्वारा दी हुई आज की जानकारी, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ में कमेंट करके जरूर बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी। नई वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।